का प्राइस आप मुझे और बता दीजिए कि गाड़ी का प्राइस आपको कितने का पड़ा, ये कितनी बैटरी की कुछ वारंटी वगैरह दी है? हाँ, इन्होंने बैटरी की जो है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारे पास आ गया है ओला का S1 स्कूटर, और भाई बैठे हैं वो हैं ओनर इसके, उनसे पूछेंगे स्कूटर के बारे में कितने का उन्होंने लिया है, अभी तक उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस स्कूटर को लेके। तो शुरू करते हैं वीडियो को और दिखाते हैं आपको इसके सारे फीचर्स और भाई का एक्सपीरियंस भी। तो भैया सबसे पहले आप मुझे बताइए ये आपने लिया कब था? ये हमने लगभग इसको 8 to 10 days हो गए लिए हुए, और ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो ये हमारे पास जब इसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, उसके बाद ये खुद डिलीवर हो गया इसके सर्विस सेंटर पे, वहाँ से हम लोग इसको पिक करके ले आए। मतलब 15 से 20 दिन में आपके पास आ गया है। तो हाँ, डिपॉजिट आपने इसमें कितना जमा करा था जब लेने से पहले? हमने लेने से पहले 40,000 जमा किए थे। 40,000 रुपये जी जमा किए थे आपने, और 20 दिन में लगभग आपको ये मिल गया। जी 20 दिन से 25 दिन में मिल गई थी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का इसमें इशू है क्या? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा हमें? ज़्यादातर जी, रजिस्ट्रेशन, आपको ख़रीदने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। हाँ स्कूटरों में तो बैटरी वाले में नहीं आता, बट ओला हाँ में है। ओला में है इसके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाया तो इसके साथ साथ इन्होंने नंबर प्लेट भी दी गई है इसमें। तो आप देख सकते हैं हाँ, नंबर प्लेट आपको ये ये मिलेगी। पहली ऐसी गाड़ी है बैटरी वाली जिसमें नंबर प्लेट भी साथ में मिल रही है हमें। तो आपने, ज़्यादातर लोगों के मन में कन्फ्यूज़न था ओला को लेके, और तो ओला ही क्यों लिया आपने ये, और आप बताओ फीचर्स को लेके या इसके लुक को लेके या क्या देखा कि आपको ओला ही पसंद आई? देखिए, बेसिकली पहली बात तो यह है कि ओला में जो है सारी जो नॉर्मल बैटरी वाली स्कूटी हैं वो सबसे बेस्ट है और टॉप पे है। ठीक साथ है, ही साथ इसके फीचर्स सबसे बेटर हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, और बहुत टॉप स्पीड है इसकी। और जो बैटरी में वाली जो एक्टिवा या स्कूटीज़ वगैरह होती हैं, उसमें मेन दिक्कत यही होती है कि बैटरी ज़्यादा लेती है और चलती कम है। इसमें ये दिक्कत नहीं है, 3 घंटे में नॉर्मल चार्ज होती है, और उसके बाद लगभग 100 to 115 किलोमीटर्स अप्रोक्स चल जाती है आराम से। मोड दे रखे हैं, मोड के हिसाब से ये डिस्टेंस रेंज कवर करेगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फीचर्स इसमें चलिए जानते हैं भाई से, इसमें फीचर्स इसमें कौन कौन से मिलते हैं और उनका राइड का एक्सपीरियंस कह रहा है। अच्छा भाई, आपने चलाई है तो आपको कैसी लगी चला के ये? बहुत कंफर्टेबल है, और ब्रेक सस्पेंशन भी बहुत अच्छे हैं, स्पीड भी बहुत अच्छी है, पिकअप बहुत अच्छा, अच्छा है गाड़ी मुझे का। बताइए जैसे आपने 100 से प्लस भगाया है तो कोई वाइब्रेशन वगैरह तो गाड़ी में नहीं नहीं लगा नहीं नहीं आपको, बिल्कुल झटका स्मूथ वगैरह और या बिल्कुल हिलना डुलना? बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, 100 अक्रॉस में भी बिल्कुल मतलब स्ट्रेट ऐसा चलती नहीं है। लगता है कि आप एक बैटरी वाला स्कूटर चला नहीं रहे नहीं हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, फीचर्स इसमें चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, फीचर्स भाई बताएंगे क्या क्या इसमें हमें मिलते हैं, बताइए आप। जी, तो इसमें आपको 3 तरीके की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, एक ये वाली स्क्रीन और ये वाली स्क्रीन। इसके साथ साथ इसमें इन सब की आवाज़ भी अलग अलग है, जैसे कि ये वाला हमने अप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो मोशन में आ गया और कोई भी अभी इसमें साउंड जी, वगैरह ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो तो ये इसकी आवाज़ है। आप इसे जैसे ही रेस प्रेस करेंगे तो आप इसे, आप बीप सुन सकते हैं साउंड जी इसका, तो ये आएगी। और आप इसे अगर नॉर्मल रखना चाहते हैं तो इसके साउंड को आप कम भी कर सकते हैं, जी साउंड को कम और बढ़ा सकते हैं इधर से, ये 2 बटन है। क्योंकि तो बैटरी वाला स्कूटर है, इसमें आपको कोई वाइब्रेशन या साउंड तो ऐसा मिलेगा नहीं। तो जी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं इसे यहाँ पे, और इसमें जो साउंड बॉक्स लगा है उससे आपको आवाज़ इसमें देखने को सुनने को मिलेगी। और फीचर्स आप बता दो क्या क्या जी है इसमें? ये बाकी तो नॉर्मल मैंने आपको स्क्रीन के फीचर बताए दिए हैं। आप फोन को अपने कनेक्ट कर सकते हैं इससे, ब्लूटूथ से, आप कुछ भी डिवाइस से, किसी भी डिवाइस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप गाने सुन सकते हैं या कोई वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो है कॉलिंग भी कर सकते हैं इससे काफ़ी सारे नॉर्मली। फीचर्स आपको जी मिलते हैं, बाकी या साउंड्स वगैरह फिर डिस्प्ले जो भी इसके कहा जाता है। डिस्प्ले के फीचर्स हैं ये इसमें आ गया, ब्राइटनेस का फीचर, ये साउंड इफेक्ट का फीचर्स आ गया इसमें, तो ये सिस्टम साउंड आ गया। यहाँ पे जो है आप जो भी सॉन्ग प्ले करेंगे वो उसका वॉल्यूम ये प्ले करके दिखाएगा आपको, ज़्यादा और कम आवाज़ में। और फिर ये मोड का साउंड है, आप जिस मोड पे अपनी स्कूटी रन करेंगे तो उस पे जो है ये आपको जो साउंड का दिखाएगा, ये देख सकते हैं। आपकी ऑन ऑफ हो जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। तो 3 अटेम्प्ट आपको इसमें करने पड़ेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी ये वाली जल जाएगी, और सेकंड में बराबर वाली, और थर्ड में हमारी तीनों पेयर जलेंगे विद DRL के साथ में, LED सेटअप के साथ में। आपको पूरा फ्रंट का हेडलाइट का मिलता है देखने को, गाड़ी का लुक आप देख सकते हैं। और
गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, इसका जो लुक है सिंपल शोवर काफ़ी अच्छा, स्पेस अच्छा आप देख सकते हैं, जैसे भाई बैठे हैं स्पेस भी ठीक ठाक है, आपको मतलब पैर रखने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है ना। बस थोड़ा सा पिलियन के लिए हम देख सकते हैं, पिलियन के लिए थोड़ा सा कहीं मुझे लगता है कि स्पेस ठीक है, वैसे दो लोग इजीली आराम से इस पे राइड कर सकते हैं, इजीली बैठ सकते हैं। अच्छा एक चीज़ आप मुझे इसमें बताइए, जैसे अभी तक दो लोगों को बैठाल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इनफैक्ट हमने 3 लोगों को भी बिठा लिया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें। इजीली आराम से हाँ, आपने राइड कर लिया है इसे, तो अभी ये कितने किलोमीटर आप इसे चला चुके हैं? मैं तो इसको लगभग, जैसे घर के कोई काम होते हैं, मैं और कॉलेज जाना होता है, तब इसको यूज़ करता हूँ मैं लगभग इसको कुछ नहीं, 100 से 150 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ जब से आई मतलब है। 150 किलोमीटर तक अभी तक ये चल चुकी है गाड़ी। तो गाड़ी को लेके आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा कुल मिला के? इसके इंडिकेटर आप ऑन करके और दिखाइए मुझे, तो ये देख सकते हैं ब्लिंक कर रहे हैं और साथ में साउंड भी इसका बज रहा है, तो ये रहा इंडिकेटर्स, इसके लुक आप देख सकते हैं गाड़ी का, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक लग रहा है इसका। पीछे टेल लाइट्स के साथ में आपको इंडिकेटर मिलते हैं और ये हैजार्ड लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। इसका बैटरी की कुछ वारंटी वगैरह दी है? हाँ, इन्होंने बैटरी की जो है 2 साल की वारंटी दी है। उसमें वारंटी में क्या दिया है, जैसे मतलब क्या चीज़ वारंटी है? में दो यह है कि अगर बैटरी आपकी ख़राब हो जाती है तो न्यू बैटरी रिप्लेस करके देंगे साल के अंदर में? 2 साल के अंदर अंदर अगर ख़राब हो जाती है तो, ये अच्छा, कंपनी की तरफ से है। तो 2 साल के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं भाई बता रहे हैं कि 2 साल में आपको कोई भी बैटरी में अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको नई मिल जाएगी, उसका कोई चार्जेस नहीं जाएगा। नहीं, वारंटी में है फुल, और जीरो कॉस्ट पे जो है बैटरी नई इंस्टॉल करवा के अच्छा देंगे सर्विस कंपनी। का इसका कुछ इसमें दिया है, कितने डिस्टेंस कवर करने पे सर्विस स्कीम करा सकते हैं? हाँ, इन्होंने दे रखा है, फर्स्ट सर्विस जो है वो 500 से 400 किलोमीटर्स के अराउंड होगी, फिर थर्ड सर्विस 1000 पार होगी, ऐसे सर्विस है। अच्छा, तो मतलब वैसे ही नॉर्मल जैसे हमारे स्कूटर होते हैं और गाड़ियां मतलब जो होती हैं इंजन वाली, वैसे ही सेम सर्विस का इसमें प्रोसेस आप देख सकते हैं दे रखा है, सेम उसी तरीके से इसमें सर्विस भी आपको मिलती हैं। तो गाड़ी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, उनका भाई का एक्सपीरियंस भी बढ़िया है, तो मतलब गाड़ी में आपको किसी भी तरीके की कोई अभी कमी नहीं लगी है, सही है? जी, बिल्कुल, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। आप जो है इसको बिल्कुल, मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको लें, मतलब अभी मतलब आपको कोई जी। भी दिक्कत नहीं लगी नहीं है नहीं गाड़ी नहीं में, कोई दिल्ली दिक्कत। में पड़ी है आपको? ये जो है गाड़ी का प्राइस 1,25,000 ऑन रोड है। 1,25,000 रुपए की है ओला का पड़ा है। बाकी जैसा कि इसमें तीन वेरिएंट्स मिलते हैं तो तीनों वेरिएंट्स प्राइस के हिसाब से थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। और चलिए फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ में। थैंक यू, बाय।